अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज का ये व्लॉग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये व्लॉग आखिर तक देखें, मेरे साथ रहिएगा। उम्मीद है आपको मज़ा आएगा। मेरी सालगिरह से दो दिन पहले हम कहीं पर इन्वाइटेड थे और वहाँ पर लड़के गपशप कर रहे थे, बातों बातों में गाड़ियों का जिक्र चल निकला। ले बिलाल भाई, चेक करें क्या चीज़ बनाई है हमने इधर। सही यार, ये सारी खुद कस्टमाइज की है तुमने? हाँ बिल्कुल, आई मैं आपको दिखाता हूँ हर चीज़ मैंने कैसे सेलेक्ट की है। तो यार सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है कूप वर्जन इसकी, और मैंने मिडिल टीयर सेलेक्ट किया है। सबसे ऊपर वाले वर्जन में ये है कि सारा कुछ लेदर है, छत भी लेदर है, और मुझे ऑरेंज कलर इसमें बहुत पसंद आया तो मैंने ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया। और ये स्टाइल मुझे लगता था कि ये फरारी स्टाइल है रिम्स का, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। और इंटीरियर में काफ़ी लोगों ने, मैं कंफ्यूज खुद भी था, काफ़ी लोगों ने भी मुझे कहा कि ये कलर शायद ऑरेंज के साथ नहीं जाएगा, लेकिन ये कलर मैंने सेलेक्ट किया ऑरेंज के साथ। और इसमें कितनी ऑप्शंस है, ये तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस दिखा रहा है। हाँ जी, इसमें आपके पास ब्लैक, सिल्वर से स्काई ग्रे से लेके रेड इंटीरियर, रेड लोग बहुत शौक से लेते हैं, मुझे पर्सनली ऑरेंज के साथ रेड अट्रैक्ट नहीं किया था, तो इस वजह से मैंने टैन इंटीरियर सेलेक्ट किया और मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और आगे बाकी पैकेजेस हैं, जिसमें परफॉर्मेंस पैकेज है, अपीयरेंस पैकेज, ये सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद और एंड में ये समरी है। ऐसी मेरी गाड़ी है जो कि इंशाल्लाह 4 से 5 महीने में मेरे घर के बाहर होगी। चलो यार, ये तो बहुत फिट कार है, अल्लाह आपको मुबारक करे। जी थैंक यू सो मच। तो बिलाल भाई, ये तो होगी मेरी बात, अब आप करें अपनी बात। आपको किस गाड़ी का शौक़ है और कब अपना शौक पूरा कर रहे हैं? यार मुझे जो है वो मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग पसंद है, इसका जो मॉडल था 2018 और उसके बाद के जितने मॉडल्स हैं मुझे बहुत पसंद है। हाँ नहीं, बहुत खूबसूरत हैं, और 2015-16 के बाद तो काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई, पीछे वो एलईडी और फ्रंट एलईडी लाइट्स बहुत खूबसूरत कर दी उन्होंने। देखें यार, कभी बना चांस तो इंशाल्लाह लेंगे, देखते हैं। देखते हैं। उस दिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि जो बात मैं अभी कर रहा हूँ वो दो दिन में सच हो जाएगी। फिर आया सालगिरह का दिन, ये भी आम दिनों की तरह एक दिन था। सुबह उठा, ऑफिस गया, लेकिन जब ऑफिस से वापस आया और घर की स्ट्रीट में एंटर हुआ तो घर के सामने गाड़ियों का रश देखकर मेरे जहन में आया कि आज एक छोटी सी बर्थडे पार्टी होगी, सब गेस्ट्स इनवाइटेड हैं। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी गुमान नहीं था कि मेरे साथ होने क्या लगी है। सब गेस्ट से मिला, और इस दिन की अच्छी बात ये थी कि मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान से आए हुए थे तो वो सब इसमें शरीक थे, तो मेरी खुशी दोबाला थी। लेकिन मैं अभी भी ये सोच रहा था कि ये पार्टी जो है वो बाहर क्यों हो रही है, घर के अंदर क्यों नहीं हो रही। क्या चीज़ है? ये तो दोनों में बात है। ये क्या हो गया? ये भाई ने क्या फोन ली थी ना, उस वक्त ये लेना चाहिए। मुझे कल परसों कब हम लास्ट मिले? खास करके सबको आशीन के हसब से
और खासकर से बद नजरी शैतान की बदनजरी से जब गैराज खोला गया और मिसेज की जानिब से मुझे गाड़ी की चाबी पकड़ाई गई तो यकीन करें मेरे लिए ये सब एब्जॉर्ब करना काफ़ी मुश्किल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी पसंदीदा चीज़ मुझे ऐसे मिल जाएगी और वो भी सिर्फ दो दिन के अंदर अंदर, कि हम दो दिन पहले ही इस बारे में बात कर रहे थे। ये कार कैसे ऑर्डर की गई, कैसे पहुँची, ये सारी एक्टिविटीज़ बेगम साहिबा के मोबाइल में है और इसके बाद आप जो भी फुटेज देखेंगे वो उनके फ़ोन की है। मुझे इस बारे में रियली कुछ नहीं पता था, इसलिए कोई वीडियो का खातर ख्वाह इंतज़ाम था नहीं। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा, ना सिर्फ इसलिए कि मुझे इस दिन एक कीमती कार तोहफे में मिली, बल्कि इसलिए कि इस दिन मुझे मेरी अहमियत का एहसास दिलाया गया, मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखा गया और मेरे लिए मेरी सोच से भी ज़्यादा सोचा गया। मैं अपने आप को लकी तसव्वुर करता हूँ कि मेरे आसपास इतने खूबसूरत, इतने चाहने वाले लोगों का एक ग्रोह मौजूद है। तोहफे दिया कीजिए, लिया कीजिए, इससे मोहब्बत बढ़ती है। इस कार के बारे में मज़ीद कंटेंट आने वाले व्लॉग्स में मैं डालूंगा। इस कार के बारे में आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए, मुझे बताते हुए खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन दिन मैंने आपके साथ सेलिब्रेट किया, आपको बताया, मुझे बहुत खुशी हुई। आपको भी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।